सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक सर्वाइवर सीरीज के बाद का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है। सीएम पंक का रिटर्न को हम सभी लोग देख चुके हैं, लेकिन इस चीज को देख के जॉन मॉक्सली खुश नहीं होते हैं। सीएम पंक के प्रोमो के बारे में जॉन मॉक्सली ने क्या बोला है, तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि हम सभी ने पूरे 10 साल के बाद WWE के टेलीविजन पे सीएम पंक का रिटर्न को देखा सर्वाइवर सीरीज के वार गेम्स में। उसके बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी उनका रिटर्न होता है। वो काफ़ी अच्छा प्रोमो कट करते हैं, प्रोमो में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए। लेकिन गाइस, जॉन मॉक्सली से सीएम पंक के रिटर्न के बारे में पूछा जाता है तो वो खुश नहीं रहते हैं। और जॉन मॉक्सली का कुछ कहना ये है, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, यू डोंट वांट टू नो व्हाट आई थिंक आई डिडंट सी इट, और वो फिर हंसते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ, और मैं उस चीज़ को देखा भी नहीं हूँ। तो भाई देखो, इसका कहने का मतलब यह है कि जॉन मॉक्सली सीएम पंक के WWE के रिटर्न के बारे में वो खुश नहीं है, और वो जो उनका ओरिजिनल रिएक्शन है वो बताना नहीं चाह रहे थे इंटरव्यू में। तो जॉन मॉक्सली का कुछ ये कहना है, भैया तो देख लो, सीएम पंक के रिटर्न पे वो खुश नहीं है। बाकी जॉन मॉक्सली खुश रहे चाहे नहीं रहे, तो WWE के यूनिवर्स से वो काफ़ी खुश हैं। और इनफैक्ट मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो भी क्रिएटर हैं, जो भी WWE का न्यूज़ देते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि चलो भैया, पूरे 10 साल के बाद WWE टेलीविजन पे सीएम पंक का रिटर्न हुआ। और जो सीएम पंक का रिटर्न है वो काफी अच्छे तरीके से WWE ने कराया। हाँ, वो अलग बात होती कि WWE थोड़ा पहले ही उनका रिटर्न करवा दी, अगर रॉयल रमल में उनका रिटर्न होता तो और भी ग्रैंडेस्ट होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, WWE के मन में जो चीज चल रहा था WWE करके हमें दिखा चुकी है। और जॉन मॉक्सली का कुछ यही कहना है, तो ऐसा लग रहा है कि जॉन मॉक्सली खुश नहीं है सीएम पंक के रिटर्न से, और वो अपना ओरिजिनल रिएक्शन बताने का जरूरत नहीं समझ रहे हैं जहां पे भी वो इंटरव्यू में बैठे थे। तो देख लो भैया, सीएम पंक के बारे में जॉन मॉक्सली का कुछ ये सोचना है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे जाकर बता सकते हो। और रही एक बात जॉन मॉक्सली के रिटर्न के बारे में, ये बंदा आज नहीं तो कल WWE में जरूरी वापस आएगा। अगर सीएम पंक जैसे बड़े सुपरस्टार WWE में वापस आ सकते हैं इतने कंट्रोवर्सी करने के बाद, तो भैया कोई भी वापस आ सकता है। तो तुमको भी वापस आना है, तुम कितना भी ड्रामा और नौटंकी कर लो, तुमको तो आज नहीं तो 4 या 5 साल के बाद तो WWE में वापस आना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि जॉन मॉक्सली का रिटर्न होता या नहीं, लेकिन जॉन मॉक्सली का तो कुछ यही कहना है सीएम पंक के बारे में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।